तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आज जो आपका पेपर है उस पेपर का अपन पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस पेपर को यदि आप देख के जाओगे तो 100% श्योर है आपको 60 से 70 नंबर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। 96 और 404 का जो SCF है, देखिए 96 और 404 का जब आप SCF निकालोगे ना तो इसका 404 का और 96 का दोनों का SCF आपका 4 निकलेगा। x²-3 के जो शून्यक है, देखो शून्यक के लिए क्या होता है, एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार हम इसे माइनस में लिखेंगे। तो यहां पर ये घात 2 शून्यक ज्ञात करने के लिए अपन ने इसको क्या करा, 0 लगा दिया। जैसे उस 3 को इधर लेके जाएंगे अपन तो ये x² बराबरी पे करने में 3 आ जाएगा, क्योंकि घात 2 हटेगी तो इधर ले जाएगा और ये प्लस माइनस के रूप में आएगा। तो यानी एक बार प्लस का आएगा और एक बार माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ ऑप्शन राइट रहेगा। तीसरा जो है वो है आपका, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो रेखिक समीकरण युग्म का यहाँ पर देखिए, जब तीनों चीजें बराबर होती है ना तो उसका होता है अनंतता अनेक हल। यदि दोनों चीजें बराबर नहीं हुई, a1/a2 = b1/b2 तो इसका हल होता है एक अद्वितीय हल। ठीक है, और यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो इसका जो आंसर रहता है वो होता है कोई हल नहीं। लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें जब बराबर होती है तो उसका अनंतता अनेक हल होता है। यह x²+x-1 = 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी, देखिए मूल की प्रकृति जो होगी ना वास्तविक होगा और भिन्न होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर 5 आएगा और 5 जब आंसर है तो वह वास्तविक होगा और भिन्न होगा। 10, 7, 4 का तीसवा पद आपका माइनस का 77 निकलेगा, इसका सूत्र लगा लेना a+29b। छठा जो है वो रहेगा आपका, यहाँ पर 4:9 दिया है तो क्षेत्रफल यानी कि इसका 4×16 99। चलिए अब रिक्त स्थान देखते हैं। करनी 2 जो है वो आपकी संख्या है परिमेय है अपरिमेय है, तो जो भी संख्या है अंडर रूट यानी करनी से बाहर नहीं निकल पाती है वो आपकी होगी अपरिमेय, जो नहीं निकल पाएगी, और जो निकल जाए उसको कह देना बेटा परिमेय। तो ये 2 जो है ना ये निकल नहीं पाएगी, यदि 4 रहता तो 2 के रूप में निकल जाता, 9 होता करनी में तो 3 के रूप में निकल जाता, तो ये नहीं निकल पाएगी, इसलिए ये आपकी बनेगी अपरिमेय। 2 बहुपदों का गुणनफल, देखो यदि बहुपदों को जोड़ोगे ना तो भी बहुपद प्राप्त होगा, गुणनफल करोगे ना तो भी गुणनफल ही प्राप्त हो, तो यहां पर अपन लिखेंगे बहुपद ही होता है। समीकरण 2x+3y = 5, 2x+3y = 5, यदि x = 1y तो भैया x का जो मान है वो कितना है 1 है, ध्यान देना है x का मान कितना है 1 है, तो y का मान ज्ञात करना है। तो जैसे ही इस सॉल्व करोगे इसे तो ये बनेगा 2 × और x की जगह पे कितना जाएगा 1+3y = 5, और सब जानते हैं 2 × 2 = 2 उधर जाएगा 3 बचेगा, ठीक है 2 × 2 = 2 उधर गया तो 5 में से 2 घट गया 3 बचा, और 3 के बटे में फिर 3 चला जाएगा, ये तो उत्तर निकल कर जाएगा आपका 1। द्विघात समीकरण के से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डेडेडेस ने दिया था, तो वो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। श्रीधराचार्य जी वर्ग समीकरण x-1 और x+1 के मूल क्या होंगे, देखो दोनों के उधर बराबर के उधर 0 कर देंगे तो x-1 = 0 उधर जाके ये प्लस का 1 हो गया कोमा, और ये प्लस वाला काय का हो जाएगा माइनस का, तो 2 मूल प्राप्त हुए, एक तो प्लस का एक और एक जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का जो अंतर है वो आपका सार्व अंतर कहलाता है।
घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है जिसमें घात तीन हो वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, तो ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। रेखिक बहुपद है, रेखिक जिसमें ये घात एक हो तो ये एक्स प्लस बी ये आपका रेखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वाला ये उत्तर आपका निकल कर आ जाएगा। द्विघात समीकरण x ब्रैकेट में x माइनस तीन इक्वल टू जीरो के मूल, तो x माइनस जो तीन है देखो एक बार तो इसका जीरो आ जाएगा, जैसे सोल्व करोगे तो x इक्वल टू जीरो और x माइनस तीन इज इक्वल टू जीरो, तो उत्तर कितना आया निकल कर, एक बार तो तीन आया और एक बार कितना आया है जीरो आया है, तो ये आपका चौथा उत्तर सही है, हो गया। अगला, त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं, पांचवा जो है तो समबाहु त्रिभुज, समांतर श्रेणी में एनवा पद तो ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी, ये छठा। असत्य छाटना है, सत्य और असत्य छाटना है, एक बटा करने दो, एक बटा करने दो एक परिमेय संख्या है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है तो ये हो जाएगा सत्य। दो चरणों में रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो चरणों में एक रेखिक समीकरण के अनेक हल होते नहीं, असत्य बात है क्योंकि दो चरणों में केवल दो हल होंगे। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो का द्विघात समीकरण नहीं, रेखिक समीकरण है बाबू, कौन सा समीकरण है ये, रेखिक, जिसकी घात एक होती है उसका हम रेखिक समीकरण कहते हैं। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विविक्त कर डी बराबरी पे जीरो होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और यहां पर इसकी एक समांतर श्रेणी है क्या, नहीं, समांतर श्रेणी होती तो ये भी माइनस कर रहता, ठीक है, तो ये आपकी एक समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है, और ये भी माइनस कर रहता, सभी एक साथ रहता मतलब, तो ये आपका नहीं, ये मतलब वो सत्य है और क्या, हो गया। अब यहां से देखिए, एक वाक्य में उत्तर है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो दो की घात तीन गुणे तीन गुणे तेरह, इसको आप निशान नहीं लगाओगे तो इतनी निकलेगा। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, देखिए रेखिक बहुपद होता है उसे कहते हैं, चाहे रेखिक समीकरण हो या रेखिक बहुपद हो, सब दोनों की घात कितनी होती है, एक ही होती है। दो संतरे और पांच सेपों का मूल्य 70 रुपये, दो संतरे और पांच सेबों का मूल्य 70 रुपये, तो दो सेब आ जाएगा 2x प्लस पांच सेब है तो 5y और बराबरी पे 70 रुपये अपने को देना, ये समीकरण नंबर बन गया। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं मालूम है आपको, जो घात दो रहता है इसका मानक रूप या व्यापक रूप भी कहते हैं इसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और बी इक्वल टू जीरो में मूलों का योगफल क्या होगा, तो देखो मूलों का जो योगफल होता है ना वो कहलाता है आपका, वो जो कहलाता है वो कहलाता है आपका बी बट माइनस का बी बटा है, तो मूलों का योगफल रहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का बी बटा है। और इसका दसवां पद निकालना है एपी का, तो दसवां पद का मतलब होता है ए टेन, क्या होता है ए टेन इज इक्वल ए प्लस नाइन डी, ए का मान बताओ मेरा बाबू दो प्लस नौ गुणित डी का मान सात में से दो घटाओ तो पाँच, तो पाँच पाँच नम पैंतालीस, तो दो प्लस पैंतालीस यानी उत्तर आ गया आपका सैतालीस, तो यहाँ पर 47 आंसर रहेगा, इतनी चीजें हो गई है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 से देख सकते हैं आप, एसीएम निकालना है 306 और 657 का, सिद्ध करना है आपको करनी दो, एक आपकी परिमेय संख्या है ये अपरिमेय, यहाँ पर मेरी स्टूडेंट है अपरिमेय आएगा, है ना, परिमेय नहीं है ये अपरिमेय है, यहाँ पर भी अपरिमेय ये बताना है आपको। शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है, सत्यता की आपको जांच करनी है। तीन बल्लों और छह गेंदों की कीमत जो है 39,000 रुपये है, तो एक बल्ले की गेंदों की कीमत 1300 रुपये, जैसा गणितीय समीकरण का निर्माण करना है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये 11 हो गया है, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया इतना, ठीक है। इसके बाद में आपको ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये 18 रहेगा आपका, 19 और ये 20, 21, 22 और ये 23, टोटल 23 प्रश्न है यहाँ पर। और इससे पहले मैंने एक पेपर और बताया है, आपको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा उसको भी, ठीक है।